WebGL के बारे में बात करते हैं। WebGL HTML5 JavaScript, ध्यान दीजिएगा, दो वेब टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है और 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स API है। जैसे मैंने आपको बताया कि WebGL JavaScript 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स API है, इसमें प्लगइन्स की कोई जरूरत नहीं है आपको, और बस ये ध्यान रखना है कि जो ब्राउजर है वो सपोर्ट करता हो। WebGL में वेब आ रहा है, तो मैं जो भी बात करूंगा देखिएगा उसमें वेब का आपको फ्लेवर जरूर मिलेगा। WebGL जो है वो बेस्ड है OpenGL ES पे, OpenGL ES, अभी ES अभी आ रहा है, क्या चीज़ है ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि WebGL और OpenGL एकदम सिमिलर है, यानी कि दोनों के सिंटेक्स भी आइडेंटिकल है बहुत जगह पे। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम मतलब एक माहौल, WebGL OpenGL ये सब का माहौल समझिएगा। इसका इकोसिस्टम है OpenGL, सबसे पहले ये क्रॉस प्लेटफॉर्म 2D 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स लाइब्रेरी है। OpenGL ES जो मैं आपको बता रहा था आने वाला है कि जिसपे ये WebGL बेस्ड है, वो है OpenGL एम्बेडेड सिस्टम के लिए। ES स्टैंड्स फॉर एम्बेडेड सिस्टम, जैसे आईफोन, आईपैड, एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी। ओपन मैक्स है ऑडियो वीडियो इमेजेस के लिए। ओपन IL सुनेंगे आप, वो ओपन मैक्स इंटीग्रेशन लेयर के लिए है। ESGL जो है वो हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट के लिए है। और आपका फिर आता है OpenCL, ये पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए, जिसमें CPU, GPU, प्रोसेसर, API आता है। तो आज की बात क्या है कि अगर आपके पास 3D एप्लीकेशन है तो नॉर्मल काम तो CPU करता है, जो OpenGL या फिर DirectX विंडोज का है, जब ये जो OpenGL काम करता है विंडोज के लिए, वही DirectX एंड वर्जन DirectX 9, 10 ऐसे करते हैं, वो भी आपकी API है। ये जो DirectX है GL है GPU पे जाती है आज के दौर में। ब्राउजर की बात जहां तक करेंगे तो HTML है, फ्लैश है, जावा है, इसमें फ्लैश CPU पे जाता है और बाकी ये प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है GPU में जाने के लिए। लेकिन आज का दौर है, मतलब यानी कि जो प्रेजेंट टाइम्स है, वो क्या होने वाला है WebGL के इंट्रोडक्शन से। WebGL वैसे 2006 में उसका वो हो चुका है, मैं वो भी बताता हूँ आपको, लेकिन जो आगे होने वाला है उसमें चाहे नॉर्मल हो चाहे WebGL हो, ब्राउजर लेगा CPU GPU जिसमें देना देगा, क्योंकि इतना हल्का हो गया, इतना फास्ट इसकी रेंडरिंग हो गई है। तो WebGL एग्जैक्टली क्या है? क्या WebGL HTML5 है? नहीं है। HTML5 और WebGL में बहुत अंतर है। WebGL जरूर एक्सटेंड करती है HTML5 के, और HTML5 के जो कैनवस एलिमेंट है उसको एक्सटेंड करती है। तो WebGL आया कहाँ से? जिसमें मैंने आपको बताया था 2006 में आ चुका है। तो WebGL जो है एक एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे व्लादिमीर साहब जो मोजिला के साथ कर रहे थे, तो 2006 में उन्होंने इसकी जो कैनवस 3D एक्सपेरिमेंट्स है उससे ये बाहर आया है, और इसको मैनेज करते हैं जो क्रोनोस ग्रुप है और जिसको कैन रसल शेयर करते हैं। और इस ग्रुप में एप्पल है, गूगल है, मोजिला ओपेरा है, अभी माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। WebGL देखिए क्या परफॉर्मेंस देता है आपको, देखिए कितनी बेहतरीन आपको 3D ब्राउजर पे आपको दे सकता है, इससे अच्छा और क्या होगा। देखिए कितने प्रॉपर डिटेल्स है, कितनी प्रॉपर शेडिंग है, कितनी अच्छी लाइटिंग है, टेक्सचर भी इतना बेहतरीन है। कंपैटिबल ब्राउजर, क्योंकि ये WebGL है, वेब पे चलेगा, गूगल क्रोम 9 के ऊपर, मोजिला फायरफॉक्स 4 के ऊपर, सफारी नहीं है, डिसेबल्ड है 15.1+, और ओपेरा 12 प्लान्ड है, IE 10 अननोन है, हो सकता है कि जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आ गया हो। और मोबाइल में iOS सफारी, ओपेरा मिनी, ओपेरा मोबाइल, एंड्रॉयड 2.3 और फायरफॉक्स फेनेक जो बीटा वर्जन है वो ये सपोर्ट करता है। अब जहां तक वीडियो कार्ड्स की बात आती है, क्योंकि जब आप 3D रेंडरिंग कर रहे हैं तो ग्राफिक कार्ड्स तो कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा। तो जैसे मैंने बताया WebGL OpenGL को एक्सटेंड करता है, तो जो कार्ड आपके OpenGL को कर रहा है वो WebGL को करेगा। WebGL तो एक सबसेट है OpenGL का, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ WebGL OpenGL एकदम एक जैसे हैं, वो दोनों अलग अलग तरीके से आए हैं, लेकिन क्योंकि सिंटेक्स एक है, काम एक है, तो एक सबसेट मान सकते हैं उसका। जैसे ATI और NVIDIA जो कॉम्प्यूटिंग GPU के महारथी है, उन दोनों को ये है सपोर्टेड है, और इंटेल के जो ग्राफिक्स है वो इंटेल GMA 500 चिपसेट प्लस में भी सपोर्टेड है। अगर आपको देखना है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि फायरफॉक्स में देखना है, तो आप सीधा अबाउट कॉन्फ़िग यहाँ पर लिखिएगा अपने ब्राउजर पे, और ये देखिएगा कि ट्रू है, अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स है तो ट्रू कर दीजिए। और आपको क्रोम में, जैसे मैंने बताया आपको कि एक वर्जन है उसके बाद से आपको मिलेगा, तो क्रोम में भी है, जहाँ जहाँ है आप इस तरीके से देख सकते हैं आराम से ब्राउजर को, उसको एक्टिवेट करिएगा, नहीं है तो आपका ये चलने लगेगा। तो WebGL के जो कंपोनेंट्स है, अगर हम HTML डोमेन देखें तो जावास्क्रिप्ट इसमें इन्वॉल्व है, HTML5 का कैनवस यूज करता है,
और WebGL का जावास्क्रिप्ट एपीआई, WebGL की जावास्क्रिप्ट एपीआई। तो WebGL के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट एपीआई है जो 3D रेंडरिंग के काम में आती है। तो WebGL और OpenGL को देखें तो ये सारे काम कर लेते हैं, बेसिकली WebGL कर लेता है, OpenGL तो करता ही करता है। WebGL ट्रांसफॉर्मेशन हो, व्यूपोर्ट हो, मैट्रिक्स मैनिपुलेशन हो, टेक्सचर शेडिंग, बफरिंग हो, आइडेंटिटी हो, रेंडरिंग, पब्लिक रेंडरिंग हो, ये सारा इसमें पॉसिबल है। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ से शुरू होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट एपीआई है। बफर्स आते हैं, एट्रीब्यूट्स आते हैं, तो यूनिफॉर्म वेरिएबल्स होते हैं, ये वर्टेक्स शेडर में जाते हैं, इस फिर अब ये वेरिंग वेरिएबल्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद इसका रास्टराइजेशन होता है, अब मॉडिफाइड वेरिएबल्स हो गए, फिर फ्रेगमेंट शेडर के पास जाता है, और फिर प्री सेगमेंट स्टफ के बाद ये फ्रेम बफर में जाता है। फ्रेम बफर क्या करता है, ये एक्चुअल शो करता है ग्राफिक्स को। WebGL परफेक्ट नहीं है, जाइज थॉमस ने कहा था, बड़े बड़े 3D के जानकार हैं, उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट फिनिश्ड 3D ग्राफिक स्टैंडर्ड, बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन ऐसा नहीं है। WebGL खासतौर पे जैसे CGM अगर आप लें, अगर आप देखें जो आपका खासतौर पे भारत देश में जो इसरो का वन बना हुआ है वो इसी पे बेस पे, CGM के बेस पे बना हुआ, WebGL यूज़ करते हैं वो। और बात यह है कि कमियां क्या है, रेंडरिंग डज नॉट कम्प्लीटली मैच नेटिव ग्राफिक प्रोसेसिंग लोड, जो आज का ग्राफिक प्रोसेसिंग लोड है उसको मैच नहीं कर रहा है, इंटरप्रेट होता है, कंपाइल नहीं होता है, और इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी हाई है, तो अभी भी इसमें एफिशिएंसी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम करने की पूरी गुंजाइश है। और कब ये मैच करेगा WebGL OpenGL, जैसे मैंने बताया कि OpenGL तो इसके फादर है, जब कंपाइलेशन हो जाएगा इंटरप्रिटेशन की जगह, और जो टॉप साइड ओवरहेड और इनिशियल डेटा सर्विस ट्रांसफर जो आपका इंटरनेट से जब लेके आते तो उस समय जो इनिशियल ओवरहेड है उसको अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो WebGL बहुत परफेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का एक सिक्योरिटी कंसर्न है, माइक्रोसॉफ्ट का क्या कंसर्न है थोड़ा समझिएगा। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि WebGL आएगा, यूजर जाएगा उस वेबसाइट पे या साइट पे जिसमें मेलिशियस WebGL स्क्रिप्ट होगी, WebGL क्या करता है सीधा आपके ग्राफिक कार्ड पे जाता है, ग्राफिक कार्ड में जो अगर कोई पैच होगा या कोई ऐसी विंडो होगी या कोई कमी होगी सीधा वहां पर अटैक करके आपका सिर्फ सिस्टम ही फ्रीज कर देगा। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना ऑब्जर्वेशन है। तो WebGL जैसे मैंने बताया आपको एक एक्सपेरिमेंट मोजिला का था 2006 में, बहुत अच्छी चीज इन्होंने बनाई। फ्यूचर इसका यह है कि WebGL इज अ ड्राइविंग फ्यूचर टेक्नोलॉजीज टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। किसी ने ये नहीं सोचा था कि पहले तो हम लोग जब शुरुआत करते थे तो एक ईमेल खोलने के लिए बहुत टाइम लग जाता, अब आप 3D रेंडरिंग कर रहे हैं ब्राउजर पे, ये कितनी बड़ी बात है। एडोब फ्लैश है, अब इसको कम्पीट करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट है, ये कम्पीट कर रहे हैं WebGL से कम क्या है कि एक के जबरदस्त आने से बाकी लोगों को भी थ्राइविंग फोर्स मिला हुआ है। और जो जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट है, जावास्क्रिप्ट तो एक तरीके से एक वेब टेक्नोलॉजी है, सिंपल वेब टेक्नोलॉजी है। अब वो वहाँ पर अगर आप API ऐसे डेवलप कर देंगे कि आपके ये चलने लगेगी WebGL, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो ये एक बहुत अच्छा नॉन कंपाइल इंटरप्रेटेड ऑलमोस्ट इफेक्टिव है सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, ये पॉपुलर हो रहा है और आराम से आप इसमें अपनी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फ्यूचर ये है कि आपको वेब पे गेम मिलेंगे, वेब पे कैड कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर एडिटेड डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा वेब डिज़ाइन मिलेगा जिसमें आप अपनी वेबसाइट पे 3D दिखा सकेंगे बहुत आराम से। और जो कंपटीशन है वो आपका ऑफकोर्स फ्लैश स्टेज 3D से है, जिसमें सिक्योरिटी और प्लगइन अडैप्टेशन ये आपका ज़रूर एक कंसर्न रहेगा। तो कंसर्न और भी है, iOS 5 सपोर्ट नहीं है, iOS 10 का सपोर्ट नहीं है, सिक्योरिटी जैसे अभी मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट जो कह रहा है, कुछ गेम्स नोन है या दिखेगा ये वाले गेम्स, लेकिन ये आगे इसका फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त है। तो ऑल द बेस्ट टू WebGL एंड ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।